तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जा रहे हैं चिंगरा पकार, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन एक वाटरफॉल है। उसी वाटरफॉल में जाने के लिए अभी हम निकले हैं। अभी हम हैं कुरूद में। कुरूद से चिंगरा पकार की जो दूरी है वो दूरी लगभग 45 किलोमीटर बताया जा रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आना चाहते हैं तो रायपुर से इसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ का और साथ ही साथ गरियाबंद का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट होने के कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जतमई घटरानी के प्रसिद्ध झरनों की तरह गरियाबंद रायपुर सड़क मार्ग पर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत बरसाती झरना है जिसे लोग चिंगरा पगार के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों अभी हम हैं गरियाबंद के मुख्य मार्ग पर। गरियाबंद पहुंचने के पहले लगभग 13 किलोमीटर पहले आपको एक कचना घुरुआ नामक मंदिर मिलता है। यहाँ पर आने जाने वाले सभी यात्री एक बार जरूर यहाँ पर रुकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है कचरा घुरुआ का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं गरियाबंद जाने वाले सभी लोग यहाँ पर 2 मिनट की जरूरत के हैं और पूजा स्थल पर आने दोस्तों कचना धुरुआ तथा बारूका जंगल के बीचों बीच पहाड़ों को चीरता या झरना लगभग 110 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। दोस्तों बरसात के समय अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सुरक्षा पूर्वक जाएं, क्योंकि ये नाला जस्ट वाटरफॉल के सामने है और यहां पर जो है पानी ज़्यादा होने के कारण से बाढ़ आ जाता है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र बताया जा रहा है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बताया जा रहा है चिंगरा पगार वाटरफॉल को। और हमने यहाँ पर लिया आलू की भजिया, टमाटर की चटनी, हम खाते खाते जा रहे हैं। दोस्तों बरसात में अधिक पानी जमा होने के चलते पहाड़ों के बीच से गिरने वाले इस झरने के पानी की आवाज़ आप बहुत दूर से सुन सकते हैं। इसकी सुंदरता लोगों को लुभावित करती है जिससे इस झरने की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों रायपुर के आसपास स्थित प्रमुख और बेस्ट पिकनिक स्पॉट में इस जलप्रपात का नाम भी आता है। यह जलप्रपात एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। दोस्तों काफी दूर दूर से लोग यहां पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पानी की समुचित व्यवस्था होने के कारण से इस स्थान पर साल भर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों वाटरफॉल से लगभग 400 मीटर पहले ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इन्हीं रास्तों को पार करके आप वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप चिंगरा पगार साल के 12 महीने जा सकते हैं। गर्मी में भी यहां पर थोड़ा बहुत पानी रहता ही है, लेकिन सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो बरसात का मौसम होता है। पहाड़ों में अधिक मात्रा में पानी भराव के कारण से यह जलधारा काफ़ी विशाल और आकर्षक प्रतीत होता है।
दोस्तों रायपुर गरियाबंद मुख्य मार्ग पर बारुका होते हुए आप इस वाटरफॉल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वाटरफॉल पर आना चाहते हैं तो सुबह से लेकर के 3 बजे तक आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। 3 बजे के बाद यहां पर आने की मनाही होती है। ये रहा जिंगरा पकार का बहुत ही प्यारा जाने वाले हैं। जब भी यहाँ पर आप अगर आना चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा पत्थर यहाँ पर है, लगभग 1 किलोमीटर पैदल यहाँ पर चलना पड़ता है। छोटे बच्चों को लेकर के आए तो उनके उनका विशेष ख्याल रखें और यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो हर चीज़
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों हम अभी चिंगरा बाजार में और यहाँ पर हम मैगी का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही प्यारा ठंडा मौसम है और ठंडा मौसम के साथ साथ यहाँ पर मैगी का आनंद अपने आप में बहुत प्यारा और टेस्टी मैगी यहाँ पर बना है। आप जब भी चिंगरा बाजार आएँ मैगी खाना बिल्कुल ना भूलें।